राइज अगेंस्ट हंगर इंडिया ने संगम बिहार में जरूरतमंद लोगों को बांटी राशन किट, जिसमें फल, बिस्कुट, जूस व अन्य चीज़ें हैं। आपको बता दें, लॉकडाउन से लगातार एनजीओ लोगों को खाना व राशन बांट रही हैं। जो भी जरूरतमंद लोग इनको दिखते हैं या फिर जो इनसे संपर्क करते हैं, वह उनको लगातार लॉकडाउन के समय से ही राशन बांट रहे हैं, जिसमें आपको बता दें फल, बिस्कुट, जूस व अन्य चीज़ें रहती हैं जो भी लोगों के उपयोगिता का सामान होता है। और लगातार यह एनजीओ इसी तरीके से लॉकडाउन में काम करता हुआ आया है, और इनका संकल्प है कि इस लॉकडाउन के चलते जो लोगों के बीच रोजगार के साथ साथ भूख का संकट भी आया है, उसको मिटाने का बीड़ा इन्होंने उठाया। आज उसी के तहत संगम विहार इलाके में पहुँच इन्होंने जरूरतमंद लोगों को फल, बिस्कुट, जूस व अन्य चीज़ें बांटी, एक राशन किट बांटी, जिसमें यह सब चीज़ें थी जो कि लोगों के ज़रूरत की चीज़ें थी। संगम विहार पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को इन्होंने बांटा, और लगातार इसी तरीके से इनका संकल्प है कि लोगों के भूख का संकट ये मिटाते रहेंगे। उनके एनजीओ कई और भी लोगों तक पहुँचेगी, जो भी ज़रूरतमंद लोग इनको दिखेंगे। मेरा नाम लाल मोहर झा है। मैं आदर्श बालिका इनोवेटिव एजुकेशनल हैंडीकैप कन्वेंशन सोसाइटी का प्रेसिडेंट। मेरी संस्था 2012 से रेगुलर रूप से एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग, अवेयरनेस की वर्क कर रही है। हम लोग इस समय में कोरोना काल के अंदर लगातार सेवा कर रहे हैं लोगों के बीच में, और एक उम्मीद यही है कि हम लोग किसी भी तरीके की समस्या हो तो अपने देश के जितने भी नागरिक हैं उनका हमेशा से हम मदद करें। आप इसमें क्या क्या बांट रहे हैं? सर, हम इस समय जो है एक अपना किट बना रखे हैं, उसमें बिस्लरी का बोतल है, दो बिस्किट्स हैं, दो फ्रूटी हैं, चिप्स के पैकेट्स हैं, केला हैं, ब्रेड हैं, जैम हैं, इस तरीके से हम एक पैकेट बना के रखे हैं, और साथ साथ कुछ न्यूट्रिशन का अलग से ड्राई पैकेट है वो भी दे रहे हैं। ठीक है, ज़रूरत का सामान आप जो कोरोना काल में बांट रहे हैं सबको आप वितरण यहाँ पे करें, या आपकी संस्था कब तक ये कार्य करती रहेगी? ये कार्य हमारी संस्था रेगुलर रूप से करती रहेगी, सतत करती रहेगी, जब तक लोगों की आवश्यकता है उस समय में, किसी भी तरीके की आवश्यकता में हमारी संस्था के जितने भी टीम हैं, वॉलंटियर्स हैं, सबकी यही दिल में इच्छा है कि हम लोग रेगुलर रूप से इस काम को करें।